हम अपने घर वालों को कनात पसंदी का आदि बनाने की बजाय हम उनके हर मुतालबे को पूरा करने की कोशिश करते हैं और उसके चक्कर में हराम में पड़ जाते हैं। आप ताजिरों को देखें, बहुत लोगों से रोजाना नए लोगों से हमारी मुलाकात होती है। क्या है, घर के सामने तीन तीन चार 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 कारें रखी हुई है, फिर कहते हैं सैयद साहब बहुत परेशान है, दुआ करो। मैं सोचता हूं तीन चार कारें क्या परेशानी है बताएं ताकि दुआ की जाए। बैंक का कर्जा बहुत है। क्यों भैया, आपने कर्ज लेकर कारें खरीदी क्यों? क्यों आपने बैंक का कर्ज लेकर कार? आखिर ये झूठी शान बताने की जरूरत क्या है? लोगों में जीना होता है, लोगों में रहना होता है। मैं आपको यहां पर, अगर आपने ये बात सुनी होगी तो फिर आपको कहना चाहता हूं, हमें कारों से इज्जत नहीं मिली, हमें कपड़ों से इज्जत नहीं मिली। मुसलमान अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दें कि कार होगी तो इज्जत मिलेगी, कपड़े होंगे तो इज्जत मिलेगी। नहीं, हकायक के साथ जिंदगी गुजारो, हकीकतों के साथ जिंदगी गुजारो। कपड़े फटे होंगे, उस पर पेवन लगे होंगे, चलेगा, लेकिन उस पर गुनाह का धब्बा नहीं लगना चाहिए। लाखों रुपये मुसलमानों के, अगर काफिरों के पास सूद के नाम पर कुफ्र को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं तो इससे बढ़कर अफसोस की बात क्या है। और ये जो लोगों की सोच बन चुकी है कि मालदार कहलाने के लिए, इज्जतदार कहलाने के लिए बंगले भी चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए, खुदा ने दिया है तो खरीदो, लेकिन कर्ज लेकर सूद के नाम पर क्यों ये सब कुछ हो रहा है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपने जवानों को बता दूं, अल्लाह ने दिया तो कीमती मोबाइल ले लें, अल्लाह ने दिया तो कीमती मकान ले लें, अल्लाह ने दिया तो कीमती लिबास ले लें, मगर उसमें भी मियाना रवि इख्तियार करो, हद से आगे मत बढ़ो। कुलू वश्रबू वला तुसरिफ, खाओ पियो हद से मत बढ़ो। हद से बढ़ने से अल्लाह ने मना किया है। रही बात इज्जत की, अगर ये सोचते हो कि कार कपड़े मोबाइल और गाड़ियां इज्जत देगी तो ये सोच दकियानुसी सोच है, ये सोच मुशरिकाना सोच है, ये सोच फासिकाना सोच है। इस्लामी सोच क्या है? आप अभी बैतुल मुकद्दस का उन्वान सब तुम्हारी निगाहों के सामने है। जिस वक्त बैतुल मुकद्दस की चाबियां देने की बात पहली मर्तबा किसी मुसलमान के हाथ में आई, उस वक्त एक राहिब ने कहा था कि मैं चाबियां तुम्हारे अमीर को दूंगा, लेकिन तुम्हारे अमीर को देने से पहले मैं उसका चेहरा देखूंगा। अल्लाह अकबर, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को सामने कर दिया गया। अबू उबैदा सामने हुए, उसने देखा और देखकर हंस के कहा, जाओ जितना लड़ना है लड़ लो, शोर आजमाई करना है कर लो, मैं चाबियां तुम्हें नहीं देता। हजरत खालिद इब्ने वलीद बड़े होशियार दाना थे, उन्होंने कहा क्यों इसका होलिया देखकर इनकार क्यों करता है? तो उस राहिब ने कहा, मेरी किताब में अमीर का जो होलिया मुसलमानों के लिखा हुआ है वो इसके अंदर नजर नहीं आता। हजरत खालिद ने कहा था बात क्या है? तो कहा बात इतनी है कि उसके चेहरे पर तो गोश्त तो नहीं होगा, इसके गाल तो भरे भरे हैं, उसकी दाढ़ी लंबी होगी, इसकी तो चौड़ी चौड़ी है, उसकी भवें मिली होगी और आंखें बड़ी बड़ी होगी, उसकी आंखें तो ऐसी नहीं है, उसका रंग तो सुर्ख होगा, इसका रंग तो सफेद है, ऐसा नहीं है। तब हजरत खालिद ने मुस्कुरा के कहा था, तुम जिस अमीर की बात कर रहे हो वो लश्कर का अमीर नहीं, वो मोमिनों का अमीर है, जिसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। और फिर कहा, अगर तुम उसको देखना चाहते हो हमें मोहलत तो हम उसको बुलाएंगे। और उसके बाद फिर हजरत खालिद ने खत लिखा, अल्लाह अकबर, बैतुल मुकद्दस के ऊपर रोना रोने वाली कौम जरा एहसास को करे, हमें भी बैतुल मुकद्दस से प्यार है, लेकिन जब से इस कौम से उमर की फिक्र खत्म हो गई, बैतुल मुकद्दस पर कुफ्र मुसल्लत हो रहा है, फिक्र उमर अपने अंदर पैदा कर लो, आज भी दुनिया में इंकलाब आने के लिए तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है फिर किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। कपड़े और कारों के धोखे में इज्जत के मुतलाशी, अपने वजूद पर इस्लाम मुसल्लत न करने वाले बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम क्या का परचम क्या लहरा सकेंगे? अब वहां इस्लामी हुकूमत क्या कायम कर सकेंगे? जिनके घरों में इस्लामी हुकूमत नहीं वो बैतुल मुकद्दस पर इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे?
अरे पहले अपने घरों में तो इस्लामी हुकूमत कायम करो। सुबह को तुम्हारे घर में सीरियल और टीवी के नाम पे कुफरिया कलिमात बजते हैं, तुम्हारे घरों के अंदर कुफरिया कलिमात की आवाज आती है, जिनमें अल्लाह के लिए गालियां होती है, जिनमें दरख्तों की और पत्थरों की तारीफें होती है। मुसलमानों, फिक्र फारूकी तो ये थी, ए हजर अस्वद, अगर मैंने तुझे अपने नबी को चूमते हुए न देखा होता तो मैं तुझे कभी नहीं चूमता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू पत्थर है, ना तू फायदा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। तुझे चूमना इसलिए है कि मेरे हबीब ने तुझे चूमा है, हबीब ने चूमा इसलिए तुझे चूमना। फिक्र फारूकी ये है। अल्लाह अकबर। खालिद इब्ने वलीद ने खत लिखा, अल मुख्तसर ये, लेकिन मुसलमानों के अमीर के घर का हाल ये था, वो अल्लाह अल्लाह जिस अमीरुल मोमिनीन ने तीन तीन बर्रे आजमों पर तनहा हुकूमत की है, उसके घर की कैफियत ये है कि एक कपड़े के सिवा दूसरा कपड़ा पहनने के लिए न था, एक उठनी के लिए दूसरी सवारी न थी, लेकिन लेकर के चले हैं अपने गुलाम को साथ में लेकर। मशहूर वाकया है, वाकया निगारी मकसद नहीं, सिर्फ फिक्र फारूकी पेश करना है, सिर्फ फारूकी फिक्र पेश करना है। इल्हाद और बेदीनी के इस दौर में, तबाही और तकियानुसियत के इस दौर में, इस पुरफतन दौर में उस फिक्र को पेश करना है जो फारूक आजम ने सुफा के चबूतरे से मुस्तफा जान रहमत से सीखी थी, इमामुल अंबिया से जिसने वो फिक्र हासिल की थी। वो फिक्र क्या थी? जब अमीरुल मोमिनीन चले हैं, वही फटा पुराना लिबास, वही पेवन वाले कपड़े, और एड़ियों से, एड़ियों के पास से फटा हुआ चमड़े का मोजा है। वहां पहुंचे हैं, पानी की नहर थी, सोचा उतरूंगा तो अंदर से पानी एड़ियों के जो फटे हुए हिस्से उससे घुस जाएगा। चमड़े के मोजे उतार के कंधों पे डाल लिए, रही सरी सारी कसर पूरी हो गई। लोग इंतजार कर रहे थे कि मोमिनों का अमीर कौन है, जरा देखें तो सही वो किस तरह कैसरों किसरा के ताजदारों की तरह करोफर से आएगा। वो जब आएगा तो हटो बच्चों के नारे होंगे, वो जब आएगा तो धक्कम धक्कियां होगी, लेकिन खुदा की कसम आने वाला जो आया है तो हाल ये है कि उसके इत्मीनान, तमकनत और सुकून की कैफियत ये थी कि नींद के जर्रों को भी धक्का नहीं लगा। इस शान से वो आया, लेकिन जब आया तो नहर को देखकर मोजे उतार करके कंधों पे डाले। अबू उबैदा और हजरत खालिद आपस में बातें कर रहे हैं, उमर ये क्या कर रहे हैं? हिम्मत तो नहीं थी क्योंकि लोग खड़े भी थे, उमर क्या कर रहे हैं? फटे हुए मोजे कंधे पे डालकर इनके फटे हुए को ऐलान कर दिया, और दूसरे कपड़े भी तब्दील नहीं किए, वही कपड़े मामूल के कपड़ों पे आ गए। जब फारूक आजम ने नहर पार की तो खालिद ने कान में कहा, आप कर क्या रहे हैं? आपने फटे हुए मोजों की तशहीर कर दी, फटे हुए कपड़े कोई अच्छे कपड़े तो पहन लेते। सैयदना फारूक आजम ने कंकरियां उठाई और हजरत खालिद के वजूद पर गुस्से से दे मारा, ये कहते हुए, खालिद अभी रसूल पाक को पर्दा फरमाने के लिए चंद साल भी नहीं बीते, तुम लोग इतनी जल्दी फिक्र तब्दील कर चुके? तुम क्या समझते हो सवारियों के करोफर और लिबास की जेबो जीनत ने हमें इज्जत दी है? खुदा की इज्जत की कसम, हमें इज्जत सवारियां और लिबास से नहीं मिली, हमें मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी की वजह से इज्जत मिली। और जब तक नबी की गुलामी में रहेंगे, ये इज्जत का तमगा हमसे कोई छीन नहीं सकता। अपनी फिक्र तब्दील कर दो, जमीनी हकायक के साथ जिंदगी गुजारो। और ये कि बैंकों से लाखों लाख रुपए के मकरूज होकर हर महीने हजारों लाखों रुपए कमाकर तुम कुफार की जेबें भर दो, ये कहां की दानिशमंदी है? ये कहां की अकलमंदी है? सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, अल्लाह का ऐलान है कि वो तिजारत को बढ़ाएगा और सूद को तबाह करेगा। बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ सूदी चक्कर में तबाही के दहाने पर पहुंच गई। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसके घर वालों के हाथों तो उसकी तबाही होगी। बंदा सबकी फरमाइश पूरी करते करते हलाल और हराम की फिक्र ही नहीं करता। दोस्तों का सर्कल है, सब मालदार है, आदमी सोचता है कि इनके लेवल में खड़े होने के लिए इन जैसा मोबाइल चाहिए, इन जैसी गाड़ी चाहिए, इन जैसा लिबास चाहिए, उसके लिए इन जैसे पार्टियों में खर्च करने के खराजात चाहिए,
फिर उसके लिए जब वो कमा नहीं पाता है तो कभी चोरी करता है, कभी जुए के अड्डों अड्डों तक जाता है, कभी हराम तरफ कदम उठाता है। हलाल जरिए से अगर माल कमा सकते हो तो कमाओ, ये सुन्नत उस्मानी है। हम कभी माल के मुखालिफ नहीं है, बल्कि हमारे रसूल का फरमान है गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है, इसलिए गुर्बत का खात्मा जरूरी है और इस्लाम गुर्बत के खात्मे के लिए आया है। हम गरीबी की बात नहीं करते, कोशिश करो हलाल जरिए से अल्लाह दे खूब कमाओ, लेकिन खर्च पे कंट्रोल रहे, खर्च पे कंट्रोल। इस्लाम ने खर्च पे कंट्रोल का इतना अजीम तरीका सिखाया है कि मेरे रसूल ने फरमाया खुशियों में भी हद से तजावुज न करो और गमों में भी हद से तजावुज न करो। एक मरतबा एक शख्स सुन्नत से कुछ लंबा कुर्ता पहन करके आया, फारूक आजम ने कहा अगर सुन्नत के मुताबिक पहनते और कुछ कम लंबा पहनते, सुन्नत से ज्यादा तुमने लंबा कर दिया तो ये चार उंगल का कपड़ा किसी गरीब को पेवन लगाने के लिए काम आ जाता। आप गौर फरमाइए, फिक्र है फारूक आजम की, इस्लामी फिक्र ये है, लेकिन अपनी क्या फिक्र है। हम लोग हमारी कई कई चीजें बरसों घरों में पड़ी रहती है, उसके इस्तेमाल की नौबत भी नहीं आती और वो पड़ी हुई है घर के अंदर। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इसका हिसाब नहीं देना और उसके लिए हम हराम की तरफ जा रहे हैं। और याद रखना अलैकुम अनफुसकुम, अपनी आप की फिक्र करो। कितना भी कमा करके हर एक का मुतालबा पूरा करोगे, एक दिन कब्र में मरकर अकेले जाओगे। और अब हुजूर का फरमान सुनो, कोई अपना नहीं है। बेटों के हक इतने अदा करो जितना इस्लाम ने कहा, बेटियों के हक इतने अदा करो जितना इस्लाम ने कहा, बीवी के हक इतने अदा करो जितना इस्लाम ने कहा, माँ बाप के हक इतने अदा करो जितना इस्लाम ने कहा, उससे ज्यादा आगे मत बढ़ो। इसलिए कि इस्लाम का कानून अल्लाह का कानून है, अल्लाह जानता है कि किसका हक कितना अदा करना है, उससे आगे मत बढ़ना वरना तबाही होगी। हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, हम उससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता। आइए, कौन नहीं चाहता कि मेरी औलाद का मुतालबा पूरा ना हो। कई बुजुर्गों से मंसूब यह वाकया है, लेकिन आइए उस अमीर की बारगाह में खिराज पेश करूं जिसको दुनिया उमर इब्ने अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज, माह रमजान शरीफ का महीना खत्म हुआ और ईद का हिलाल तुलू हुआ, बच्चे रोते हुए घर में आए, बच्चे सबके बच्चे ही होते हैं, कहा बाबा पूरे इलाके के अंदर धूम मची हुई है, सब नए कपड़े खरीद रहे हैं, सब बहुत सारे दोस्तों के नए कपड़े आ भी गए, एक काम करें कि हमारे लिए भी ईद के नए कपड़े ला दें। वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, घर में इतने पैसे नहीं कि बच्चों को कपड़े दिला सके। हर बाप चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वली हो या गुनहगार हो, हर बाप के सीने में औलाद के लिए जो मोहब्बत है वो किसी के सीने में नहीं है। लेकिन बात इतनी है कि अल्लाह का कानून जिसको अजीज है उसकी जिंदगी बहुत मोहतात। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के बेटों ने कहा अब्बा जान कपड़े का, बेटो पैसे नहीं है, सब्र करो अल्लाह इंतजाम कर देगा। कहा बाबा सबके बच्चे नए कपड़े पहनेंगे कल, और मुसलमानों के अमीर के कपड़े बच्चे नए कपड़े नहीं पहनेंगे, कैसा लगेगा, कुछ करें। बीवी ने कोई मशवरा दिया, बस गए और उसके पास जो खाजिन था बैतुल माल का, देखिए बेहतरीन दोस्त वो है जब तुम गलती करो तो वो तुम्हारी इसलाह करे। आज दोस्त बेहतरीन वो माना जाता है कि हर गलती में वो आपकी ताईद करे। उमर इब्न अब्दुल अजीज खाजिन के पास गए और कहा एक काम करो, दो महीने की तनख्वाह मेरी पेशगी मुझे दे दो, पहले दे दो ताकि कल मेरे बच्चे नए कपड़े पहन ले। ये इस्लामी फिक्र का नतीजा था। खाजिन ने कागज और कलम आगे कर दिया, अमीरुल मोमिनीन अपने हाथ से दो महीने की जिंदगी की गारंटी लिखकर दे दे, मैं तुम्हें दो महीने की तनख्वाह पेशगी दे दूंगा। आंखों में आंसू आ गए, पल की खबर नहीं, दो महीने की गारंटी मैं क्या दे सकता हूं। कहा आप गारंटी नहीं दे सकते, मैं तनख्वाह नहीं दे सकता, अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा, अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा दो महीने की तनख्वाह देकर। ये फिक्र है, अलैकुम अनफुसकुम, अपनी फिक्र। आज हमारा क्या हाल है, हम तो सिर्फ चापलूसी में मर रहे हैं, हम तो सिर्फ गदागरी में मर रहे हैं। हमारा हाल ये है, हमें रब की खुशी से ज्यादा सब की खुशी अजीज हो गई, ना रब मिला ना सब मिला, कुछ नहीं मिला। इसलिए
मुसलमानों को अपनी फिक्र का कनेक्शन करेक्शन करना होगा, तब्दील करना होगा फिक्र को। अल्लाह अकबर, मुसलमानों की फिक्र क्या है? 2 महीने की जिंदगी की गारंटी नहीं तो 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी जा सकती। पलट गए और जाकर के बच्चों से कहा, मेरे बेटो, ईद के दिन नए कपड़े पहनना ना फर्ज है ना वाजिब है, अलबत्ता हराम से बचना फर्ज किया गया है, इसलिए कल तुम नए कपड़ों की बजाय धुले हुए कपड़े पहन लेना ताकि तुम्हारे बाप को कयामत के दिन इस अमल की वजह से पकड़ा ना जाए। हमारी फिक्र क्या है?